हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल करियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ सिनोनिम वर्ड्स जो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को एनहेंस करेंगे। सिनोनिम वर्ड्स आर द वर्ड्स व्हिच हैव द सेम मीनिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है हैप्पी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खुश। तो अब इंग्लिश में क्या कहेंगे? हैप्पी के लिए हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं जो मीनिंग जॉयफुल, और सेकंड वन इसको यूज कर सकते हैं ग्लैड, यानी हैप्पी मींस जॉयफुल ग्लैड। सैड, सैड मींस दुखी, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं हम अनहैप्पी, और इसके लिए हम यूज कर सकते हैं वर्ड सोरोफुल। यानी सैड के सिनोनिम्स होते हैं अनहैप्पी, सोरोफुल। फास्ट, तेज सिनोनिम यूज करेंगे इसके लिए क्विक एंड रैपिड। एंग्री, गुस्सा सिनोनिम इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एक फ्यूरियस, और दूसरा हम इसके लिए कह सकते हैं आउटरेज्ड। फ्यूरियस एंड आउटरेज्ड दोनों का ही मतलब क्या है? एंग्री, गुस्सा हो। स्मार्ट, होशियार, इंटेलिजेंट, और इसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्लेवर। तो स्मार्ट मींस इंटेलिजेंट, क्लेवर। बिग, बड़ा, लार्ज और ह्यूज, तो बिग के सिनोनिम हुए लार्ज, ह्यूज। स्मॉल, छोटा यूज कर सकते हैं इसके लिए हम वर्ड टाइनी, और कह सकते हैं इसको लिटिल। तो स्मॉल मींस टाइनी, लिटिल। ब्यूटीफुल, सुंदर सिनोनिम हम इसके लिए यूज कर सकते हैं एक अट्रैक्टिव, और इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं हम प्रिटी। तो ब्यूटीफुल मींस अट्रैक्टिव, प्रिटी। ब्रेव, बहादुर सिनोनिम होंगे इसके करेजियस, और हम इसे कह सकते हैं फियरलेस, यानी जिसे कोई डर ना हो, जिसे कोई डर ना हो मतलब ब्रेव। दूसरा हुआ क्वाइट, इसको हम हिंदी में कहेंगे शांत, मींस साइलेंट कह सकते हैं इसको, और कह सकते हैं इसे काम। रिच, अमीर सिनोनिम यूज कर सकते हैं इसके लिए वेल्दी, और दूसरा हम इसके लिए यूज कर सकते हैं प्रॉस्पेरस। तो रिच मींस वेल्दी, प्रॉस्पेरस। स्ट्रॉन्ग, मजबूत सिनोनिम होंगे इसके पावरफुल, और कह सकते हैं हम इसको टफ, और इसको हम हार्डी भी कह सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग के सिनोनिम्स होते हैं पावरफुल, टफ, हार्डी। बिगिन, शुरू या शुरू करना, इसको हम कह सकते हैं स्टार्ट, और हम इसके लिए यूज कर सकते हैं कमेंस। स्टार्ट या कमेंस दोनों का ही इंग्लिश मीनिंग है बिगिन। एंड, अंत सिनोनिम होंगे इसके फिनिश, और क्या कहेंगे हम इसको? टर्मिनेट। तो एंड के सिनोनिम्स हुए फिनिश्ड, टर्मिनेट। ओल्ड, पुराना, एंशिएंट और एजेड, ये इसके सिनोनिम। न्यू, नया सिनोनिम हम इसके लिए यूज करेंगे फ्रेश, सेकंड वन इज नोवेल। तो न्यू मींस फ्रेश, नोवेल। कोल्ड, ठंडा, यानी हम इसको कह सकते हैं चिली, और कह सकते हैं आईसी। तो आईसी मींस और चिली मींस दोनों का मतलब क्या हो गया? कोल्ड यानी ठंडा। वार्म, गर्म, हॉट एंड हीटेड। इजी, आसान सिनोनिम हम इसके लिए यूज करेंगे सिंपल। एफर्टलेस, सिंपल के मीनिंग हुए, सॉरी इजी के मीनिंग हुए सिंपल, एफर्टलेस। हार्ड, कठिन, डिफिकल्ट, और कह सकते हैं हम हार्ड को रिजिड भी हम इसे कह सकते हैं। लेजी, आलसी, आइडल, और दूसरा सिनोनिम हम इसके लिए यूज कर सकते हैं इंडोलेंट, यानी लेजी मींस आइडल, इंडोलेंट। हेल्प, मदद, असिस्ट, और क्या कह सकते हैं हम इसे? सपोर्ट। फ्रेंड, फ्रेंड मींस दोस्त, इंग्लिश में हम इसके मीनिंग के लिए हम कह सकते हैं इसको तो कंपेनियन, और क्या कह सकते हैं? कॉन्फिडेंट।
तो फ्रेंड का मतलब हुआ कंपेनियन, कॉन्फिडेंट। एनिमी शत्रु या दुश्मन, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फो, और यूज कर सकते हैं हम इसके लिए राइवल, और हम इसके लिए यूज कर सकते हैं एंटागोनिस्ट। तो एनिमी के सिनोनिम्स होते हैं फो, राइवल, एंटागोनिस्ट। डेंजर खतरा, इसको हम कह सकते हैं रिस्क, और कह सकते हैं क्राइसिस। सेव, सेव मींस बचाना। रेस्क्यू का मतलब भी बचाना है, और प्रिजर्व का मतलब भी बचाना, यानी सेव के सिनोनिम होते हैं रेस्क्यू, प्रिजर्व। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, इसको कहेंगे हम रुइन, और हम इसके लिए यूज कर सकते हैं वर्ड डेमोलिश। वीक, कमजोर मींस फीबल, या कह सकते हैं इसे फ्रेल, यानी वीक के सिनोनिम्स होते हैं फीबल, फ्रेल। फियर, डर, सिनोनिम होंगे इसके ड्रेड। नेक्स्ट वन इज टेरर। आइडिया, विचार, यानी हम इसके लिए कह सकते हैं कॉन्सेप्ट, और सेकंड सिनोनिम हम इसके लिए यूज कर सकते हैं नोशन। आइडिया मींस कॉन्सेप्ट, नोशन। आंसर, उत्तर, सिनोनिम हम यूज करेंगे इसके लिए रिप्लाई, रिप्लाई, और क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए रेस्पॉन्स। आंसर मींस रिप्लाई, रेस्पॉन्स। काम, शांत, पीसफुल, और कह सकते हैं इसे ट्रैंक्विल। तो काम मींस हुआ पीसफुल, ट्रैंक्विल। ऑनेस्ट, ईमानदार, सिनोनिम हम इसके लिए यहां पर यूज करेंगे ट्रूथफुल, और हम कह सकते हैं इसको रिलायबल। लाई, लाई मींस झूठ, इसको कह सकते हैं हम डिसीव, और झूठ के लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं वो है फॉल्सफुल, यानी लाई के सिनोनिम हुए डिसीव, फॉल्सफुल। क्लीन, साफ, सिनोनिम हम इसके लिए यूज करेंगे टाइडी, और क्या कहेंगे हम इसको स्पॉटलेस, टाइडी, स्पॉटलेस। डर्टी मींस गंदा, फिल्दी मींस भी गंदा है, और नेस्टी मींस भी गंदा, यानी डर्टी के सिनोनिम होते हैं फिल्दी, नेस्टी। ब्रिलियंट, प्रतिभाशाली, ब्राइट, और कह सकते हैं इसको इंटेलिजेंट। तो ब्रिलियंट के सिनोनिम्स हुए ब्राइट, इंटेलिजेंट। टायर्ड, थका हुआ, मींस एग्जॉस्टेड एंड फैटिग। तो टायर्ड के सिनोनिम्स होते हैं एग्जॉस्टेड, फैटिग। प्रसिद्ध यानी फेमस, और इसको हम कहेंगे रेनाउंड, और हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं पॉपुलर। तो फेमस का मतलब हुआ रेनाउंड, पॉपुलर। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, और क्या कह सकते हैं इसको क्रूशियल। तो इंपॉर्टेंट के सिनोनिम हुए सिग्निफिकेंट, क्रूशियल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एक ऐसी ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।